अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। ऐसे कैसे कर सकते हो आप? आपको सिचुएशन पता है ना? आपने कबीर को अकेला छोड़ दिया। हेलो इंस्पेक्टर साहब जी, उसने ना रेड टी शर्ट और वाइट शॉर्ट्स पहन रखी है, प्लीज उसे जल्दी ढूंढ लीजिए जी। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। सब गलती मेरी है। मैं अपने बच्चे को खुद ढूंढ के आऊंगी। वो कबीर कहीं चला गया, मम्मा के साथ गया था, पर कबीर आया। ये कबीर चला गया था। मैं क्या हुआ? ये चोट कैसे आई? देख प्लीज, आप एक काम करो, कबीर को अंदर ले जाओ, उसकी ड्रेसिंग करो। जाओ बेटा। जया, बेटा तुम लोगों को कबीर कहाँ मिला? नानी जी, मैं और जया रास्ते में थे और अचानक से कबीर आया, ऐसे भागता हुआ डरा हुआ था। कबीर! मौसा जी! कबीर! तुम कबीर को आना, मैं गुंडों को देखता हूँ। कबीर! नंबर प्लेट भी नहीं है। कबीर से पता चल रहा है कि घर में क्या हो रहा है। इतना कुछ हो गया और आपने बताया तक नहीं, और आप तो बेटे को पराया नहीं करते ना, फिर अपनी बेटी को पराया क्यों किया आपने? नहीं खुद बताया, नहीं किसी और को बताने दिया। बेटा, सत्या की वजह से आज तक तुझे बहुत परेशानियां मिली है, अब तेरी माँ तुझे और परेशान करना नहीं चाहती थी। अरे शाली, शाली अगर आप सबको कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। नहीं, माँ, जैसे जया हमारे घर का हिस्सा है, वैसे मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। मैं उस रिश्ते के नाते आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज मना मत करना। जब तक ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, आप नानी जी, आप सब हमारे घर में रहोगे हमारे साथ। मैं आप लोगों को इस हालत में यहाँ नहीं छोड़ सकता। मैंने पुलिस से कहा है, वो बहुत जल्दी उस गुंडे को पकड़ लेंगे। जब गुंडे पकड़े जाएंगे ना, तब आप यहाँ वापस आ जाना। मामा समझ सही कह रहे हैं। नानी जी, आप समझाइए ना माँ को प्लीज। नहीं बेटा, बेटियों के घर। नानी जी, कम से कम आप तो मेरी बात समझिए, बोलिए ना माँ को। बेटा मानी जा। माँ, बेटी के ससुराल में रहना शोभा नहीं देता। देता है, जैसे ये मेरा घर है वैसे वो भी मेरा ससुराल ही मेरा घर ही है। देखो बेटा, हम सब अगर तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम और तुम्हारे घर वालों को परेशानी होगी। माँ, आपके आने से नहीं, नहीं आने से प्रॉब्लम होगी। क्यों जिद कर रहे हो मामा, मान जाओ ना। नानी, जय मासी सही कह रही है नानी। नानी, मुझे आप बहुत डर लगने लग गया है।
मैं माँ को बताता हूँ। दीम आप अपना और कभी का सामान पैक कर लो प्लीज। थैंक यू मम्मा। एंड आई एम सॉरी मैंने आप पे गुस्सा किया। नहीं बेटा वो तेरा गुस्सा नहीं तेरा प्यार है। कभी गुस्सा बनकर बाहर आता है तो कभी आंसू बनकर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए आइए हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए आइए आदि सत्या जी। बेटा आप लोगों को हम इतनी तकलीफ दे रहे हैं, ऐसे बेटी के ससुराल में रहना ठीक नहीं लगता। अरे नानी जी, माँ आप अपनी बेटी के ससुराल में नहीं बल्कि आप अपने बेटे के घर पे आए हैं। समर सही कह रहा सत्या बेटा, हम समधी नहीं एक ही परिवार हैं और मुश्किल घड़ी में परिवार को एक साथ ही रहना चाहिए। ज्योति बेटा। जी दादाजी। जा इनका सामान जाके गेस्ट रूम में रखवा दे। पर दादाजी गेस्ट रूम में तो काम चल रहा है ना। अरे हाँ पिताजी। हाँ बेटा मैं तो भूल ही गया था। देखिए अच्छा यही होगा कि हम लोग आसपास किसी होटल में शिफ्ट हो जाए। माँ नहीं नहीं सत्या जी बिल्कुल नहीं, हम सब मिल के रह लेंगे ना। हाँ कभी तुम और शिखा मेरे रूम में आके रह लेना। और वाह भाई वाह नानी जी आप मेरे रूम में। और सत्या जी आप मेरे साथ रह लीजिए। जी ऐसा पहली बार होगा माँ सासु माँ एक साथ एक कमरे में, कहीं जंग ना हो जाए। चुप कर कुछ भी। क्या हुआ बेटा कुछ काम है? माँ वो जया की फैमिली को मैंने यहाँ पे लाके सही तो किया ना। आई मीन एक ही घर में माइका और ससुराल थोड़ा अजीब हो गया ना। तूने बिल्कुल सही किया बेटा। देख अगर तू ये नहीं करता ना तो वो गलत होता। मुझे तुझ पर बहुत गर्व हो रहा है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरा बेटा इतना समझदार है, इतना केयरिंग है। थैंक यू मां, यू आर द बेस्ट। अच्छा सुन, अब तेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। मुझे दो दो परिवारों का ख्याल रखना है। मुझे पूरा भरोसा है कि तू ये अच्छी तरह से करेगा। तुमने आज जो मेरे परिवार के लिए किया वो कोई किसी के लिए नहीं करता। थैंक यू जया। तुम्हारे परिवार के लिए नहीं हमारे परिवार के लिए। तुम जब ऐसी बातें करते हो मुझे तुम पे और प्यार आता है। कहते हैं अगर किसी पे प्यार है तो कर लेना चाहिए।
जया सॉरी वो एक्चुअली मम्मा को ये ब्लैंकेट देना है तो मैं इतना ही आई मम्मा पहले तो कॉल था दीदी अब डायरेक्ट आवाजें आएंगी देखिए सत्या जी मैंने मॉस्किटो रिपेलेंट यहाँ पे रखा दिया है वो रमा जी वो मुझे ना मॉस्किटो रिपेलेंट सूट नहीं करता क्या मैं इसे बंद कर सकती हूँ ठीक है रमा जी जी क्या ये एसी का रिमोट मैं अपने पास रख सकती हूँ वो क्या है ना कि रात को मुझे कभी ठंडी लगती है कभी गर्मी लगती है तो वो मैं अपने हिसाब से बंद चालू करती रहूँगी आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना नहीं नहीं सत्या जी कोई प्रॉब्लम नहीं आप रख लीजिए आपके पास थैंक यू वेरी मच और वैसे मैंने ब्लैंकेट रख दिया आपके लिए जी मामा ब्लैंकेट जया लेकिन रमा जी ने पहले ही ब्लैंकेट दे दिया है मम्मी जी यू आर द बेस्ट सब कुछ कैसे अच्छे से कर लेते हो अच्छा अब आप लोग सो जाइए रात भी हो गई और मुझे कबीर को दूध पिलाना है दूध पी बिना रात को सोता ही नहीं है ठीक है गुड नाइट बेटा गुड नाइट मम्मी जी गुड नाइट मामा बड़ी प्यारी बच्ची है आज तुम्हें मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है अब प्यार का जवाब तो प्यार से ही देना चाहिए ना दूध मेरे लिए नहीं वो एक्चुअली कबीर के लिए बनाया था पर ज्योति भाभी ने उसे पिला दिया तो तुम्हारे लिए लिया तुमने तो मुझे हमारी पहली रात याद दिला दी जया बेटा नानी हाँ नानी अरे रुको हाँ हाँ नानी जया बेटा तेरे पास बाम है मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है एक मिनट मैं भी लेके आऊँ ओके बेटा तू दूध पी रहा है हाँ हाँ नानी जी अच्छी आदत है बेटा दूध पिया कर और मेरी जया को भी पिलाया कर इतनी कैंडल्स क्यों जला रखी है नानी जी वो लाइट नहीं थी ना इसीलिए जलाई थी लाइट नहीं थी कब गई थी मेरे कमरे में तो थी वो इस कमरे की जाती है तो बाहर वाले कमरों की नहीं जाती यहाँ होता है कभी कभी ऐसे लेकिन अब तो लाइट आ गई है फिर भी कैंडल्स क्यों चालू रखी है बुझा दे फिर कभी काम आएगी नहीं नहीं दादाजी रुक रुक मैं बुझा देते हूँ दादाजी मैं बुझा दूंगा ये लो नाना ये मिल गया वाह थैंक यू वेरी मच बेटा गॉड ब्लेस यू गुड नाइट नानी जी गुड नाइट जया बेटा हाँ 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 नानी बेटा तू भी मेरे साथ चल
तू बांब लगाएगी और तेरा हाथ लगेगा तो मैं दो मिनट में सो जाऊंगी। जी नानी बिल्कुल चलिए। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट नानी जी। आई आराम से। सत्या जी, सत्या जी, आ जाके देखती हूँ। कहाँ चली गई सत्या जी इतनी रात को?